हेलो एवरीवन नाउ वी विल स्टडी द चैप्टर फाइव और यूनिट फाइव ऑफ द डार्क रूम ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग से अपन यह समझते हैं कि कोई भी एक्सरे फिल्म को प्रोसेस कराना किसकी सहायता से ऑटोमेटिक मशीन hmm. की सहायता से या फिर कोई भी इनविजिबल या फिर लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एन ऑटोमेटिक मशीन इन द अदर हैंड्स पहले अपने पास क्या होती थी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग जिसके अंदर अपन क्या करते थे एक्सरे फिल्म को मैनुअली यानी मैन के हैंड से प्रोसेस कराया जाता था केमिकल्स के अंदर अपन अपन एक्सरे फिल्म को प्रोसेस कराते थे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ऑफ अ पर्सन सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग है वो क्या था एक मोस्ट एडवांटेजियस प्रोसेस है किसके कम्पेरिजन में मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के कम्पेरिजन में ओके okay, फाइन

अनलोडिंग द फिल्म इंसर्टिंग इंटू प्रोसेसर एंड रीलोडिंग द फिल्म यानी कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर मेनली तीन स्टेजेज होती है फर्स्ट आती है आपकी अनलोडिंग द फिल्म सेकेंड आती है इंसर्टिंग इंटू प्रोसेसर एंड थर्ड आती है रीलोडिंग द फिल्म अनलोडिंग द फिल्म का मतलब कैसेट से अपने को फिल्म को अनलोड करना है नेक्स्ट इंसर्टिंग इंटू द प्रोसेसर यानी कि जो ऑटोमेटिक आपका प्रोसेस जिसके अंदर अपन फिल्म को प्रोसेस कराएंगे उसके अंदर एक्सरे फिल्म को इंसर्ट करना एंड थर्ड रीलोडिंग द फिल्म यानि कि फिल्म को रीलोड करना वेयर एज दिस इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली नाइन स्टेप्स इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग यानी कि जबकि आपका जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग था उसके अंदर लगभग कितनी स्टेप्स होती थी ये नौ no स्टेप्स और अब आपकी ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में ये कितनी होती है केवल तीन स्टेप्स सो ऑब्वियसली चांसेज ऑफ डैमेजिंग द फिल्म एंड स्क्रीन आर लेस इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग यानी कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर जो आपके एक्सरे फिल्म और स्क्रीन के डैमेज होने के चांसेस है वो क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं किसके कंपैरिजन में मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में ए ऑटोमेटिक प्रोसेसर रन द फिल्म सीक्वेंसली थ्रू द डेवलपर फिक्सर एंड वॉशिंग सोल्यूशन यानी कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर वो क्या करता है एक सीक्वेंस के अंदर फिल्म को ट्रांसपोर्ट करता है डेवलपर टू फिक्सर सोल्यूशन एंड फिक्सर टू वॉशिंग सोल्यूशन द ऑ ऑटोमेटिक नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटर रिलेटेड सिस्टम यानी ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बट एक दूसरे से वो क्या होते हैं इंटर रिलेटेड यानी जुड़े हुए होते हैं दे आर फिल्म एंट्री सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम केमिकल सिस्टम रिप्लेसमेंट सिस्टम वाटर सिस्टम एंड ड्राइंग सिस्टम ये वो छह सिस्टम है जो किस में पाए जाते हैं अपने ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के अंदर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सिस्टम फिल्म एंट्री सिस्टम ऑब्वियस बात है नाम से अपने को पता चल रहा है कि फिल्म एंट्री सिस्टम यानी कि प्रोसेसर का वह सिस्टम जिसमें से अपनी क्या होगी फिल्म जो अपनी एक्सरे फिल्म वो प्रोसेसर के अंदर, एंटर होती है बोलेंगे फिल्म इन टू द प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर का वह पार्ट जो क्या कर रहा है फिल्म को अंदर की तरफ प्रोसेसर में ले रहा है ठीक है यूजली दिस इज लिंक्ड टू रिप्लेसमेंट सिस्टम सो दैट द फिल्म एंट्री एक्टिवेट द रिप्लाइसमेंट पंप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिस्टम है ये आपका किससे कनेक्टेड होता है रिप्लाइसमेंट सिस्टम से कनेक्टेड होता है जैसे आपकी फिल्म एंटर होगी तो ये क्या करेगा जो आपका रिप्लाइसमेंट सिस्टम हो उसको एक टाइम पीरियड के लिए ऑन कर देगा ठीक है यानी कि एक्टिवेट कर देगा उसको एन आइडियल फिल्म एंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर्स एंड अ स्विच अबउ द रोलर यानी कि एक आइडियल यानी कि जो आपका फिल्म एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते है रोलर का पेयर पाया जाता है जो जो किससे कनेक्टेड होता, होता है आपका माइक्रो स्विच से कनेक्टेड होता है ठीक है देयर आर मेनी वर्जन ऑफ माइक्रोस्विचेस एग्जाम्पल इंफ्रा रेड लाइट स्टीम ऑफ एयर एटसेट्रा विच आर इंटरप्टेड बाय द फिल्म एंट्री सिस्टम यानी कि जो माइक्रोस उनके अपने पास अपने को अलग अलग वर्जन मिल सकते हैं इंफ्रारेड मिल सकता है स्ट्रीम ऑफ एयर मिल सकता है जो सारे किससे इंटरप्ट होंगे फिल्म एंट्री सिस्टम से इंटरप्ट होंगे ठीक है इन अ प्रोसेसर द लोअर रोलर इज फिक्स्ड एंड द टॉप रोलर इज मेड विद स्मॉल मूवमेंट एंट्री सिस्टम के अंदर जो आपका लोअर रोलर होता है वो क्या होता है फिक्स होता है यानी नॉट मूवेबल होता है और जो आपका अपर रोलर होता है वो क्या होता है मूवेबल होता है और आपका जो माइक्रो स्विच होता है वो भी किससे कनेक्टेड होता है अपर रोलर से जैसे ही आप उसके अंदर फिल्म एंटर करोगे आपका माइक्रो स्विच ऑन होगा और माइक्रो स्विच माइक्रो स्विच से जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड सिस्टम कनेक्टेड है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे व्हेन द फिल्म इज एंटर द टॉप रोलर मूव अपवर्ड एंड कॉरस्पोंडिंग द माइक्रोस्विच एक्टिवेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे ही आपकी फिल्म क्या होगी एंटर होगी जो आपका अपर रोलर है वो क्या करेगा अपवार्ड की तरफ मूव होगा और माइक्रो स्विच को एक्टिवेट करेगा और माइक्रो स्विच किसको एक्टिवेट करेगा उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको वो क्या करेगा एक्टिवेट करेगा ए वार्निंग इन द फॉर्म ऑफ ए बेल और बजर इज यूज टू टेल वैन द नेक्स्ट फिल्म इज टू बी इंसर्टेड यानी कि इस माइक्रोसविच से क्या कनेक्टेड होता है अपना एक डिले सर्किट कनेक्टेड होता है वार्निंग सिस्टम कनेक्ट होता है यानी कि जब एक फिल्म अपने प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हो रही है अगर उस वक्त अपन कोई दूसरी फिल्म उसमें क्या करते हैं एंटर करते हैं तो वार्निंग सिस्टम अपने को वार्न करता है किसके थ्रू एक बैल और बजर को रिंग करके नेक्स्ट जैसा कि अपन डायग्राम में समझ सकते हैं अपने पास यहाँ पे क्या एक फिल्म ट्रे है फिल्म ट्रे क्या पर है फिल्म पाथ के ऊपर जैसे फिल्म पाथ में आप फिल्म एंटर करोगे दो लोवर एक अपर रोलर एक लोअर रोलर जो लोअर रोलर है वो आपका फिक्स है अपर जो रोलर है वो आपका किससे कनेक्टेड है माइक्रो स्विच से कनेक्टेड है जैसे ही आपकी इसमें फिल्म एंटर होगी अपर रोलर अप की तरफ होगा और माइक्रो स्विच को ऑन करेगा माइक्रो स्विच आपका किससे कनेक्टेड है रिप्लेसमेंट सिस्टम से और डिले सर्किट यानी कि वार्निंग सिस्टम से जैसे ही अब आप क्या करोगे फिल्म को एंटर करोगे ये रिप्लेसमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है दूसरा जब अपनी एक फिल्म प्रोसेस हो रही है तब अपन क्या करेंगे कोई भी अगर दूसरी फिल्म को एंटर कराते हैं तो डिले सर्किट और वार्निंग सिस्टम से अपने को क्या मिलती है वहां से वार्निंग मिलती है ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने को नाम से हेडिंग से पता चल रहा है कि इस सिस्टम का काम क्या होगा फिल्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा अब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा कहाँ पे करेगा ये जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसको एक सोल्यूशन के टैंक से दूसरे सोल्यूशन के टैंक तक ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होता है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ रोलर्स विच आर यूज टू मूव द फिल्म थ्रू द प्रोसेसिंग टैंक यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होते हैं एक रोलर्स की सीरीज होती है जिनका क्या काम होता है फिल्म को एक प्रोसेसिंग टैंक से दूसरे प्रोसेसिंग टैंक तक ट्रांसपोर्ट करने का वर्क होता है ठीक है एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव ऑल द रैक एट कांस्टेंट स्पीड जो आपके ये रोलर्स है इन रोलर्स के ऊपर क्या लगी हुई होती है रैक लगी हुई होती है और उन रोक को कौन मूव कराता है एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव करती है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से दिस अश्योर्स दैट द डेवलपर रैक एंड द फिक्सर रैक विल हैव सेम स्पीड यानी कि इसमें यह भी अश्योर होता है कि जो आपकी डेवलपर रैक और फिक्सर रैक उन दोनों की स्पीड क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है अगर यहां पे इनकी स्पीड अपन कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा आपकी दो फिल्में एक साथ क्या हो जाएंगी मिक्सअप हो सकती हैं द कंटेन स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक गाइड प्लेट विच कैप्ट फिल्म विद इन द ट्रांसपोर्ट पाथ यानी रैक के अंदर आपकी क्या होती है या तो स्टेनलेस स्टील की या फिर प्लास्टिक की बनी हुई प्लेट्स होती है जिनके ऊपर अपन क्या रखते हैं फिल्म्स को रखते हैं और वो जो कहां पे लेके जाती है ट्रांसपोर्ट पाथ तक ठीक है दीज गाइड प्लेट्स मस्ट बी कैप्ड क्लीन अदरवाइज स्क्रेचेज में अकर ऑन द फिल्म यानी कि जो ये गाइड प्लेट्स है इनको अपने को क्या करना होता है साफ रखना होता है अदरवाइज क्या होंगे आपकी जो एक्सरे फिल्म है उसके ऊपर स्क्रेचेज हो सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रोलर मेनली हार्ड एंड सॉफ्ट रोलर मेनली दो प्रकार के रोलर पाए जाते हैं हार्ड रोलर या फिर सॉफ्ट रोलर अब अपन बात करते हैं डायग्राम की तो डायग्राम के अंदर अपने को पता चल रहा है फर्स्ट सिस्टम आपका कौन सा है फिल्म एंट्री सिस्टम फिल्म एंट्री सिस्टम से आपकी फिल्म एंटर होगी देन वो कहां पे जाएगी आपकी डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर फिर वो फिल्म पाथ से होती हुई यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से होती हुई फिक्सर तक देन वो वॉशिंग तक एंड लास्ट ड्राइंग तक ठीक है और जो अदर सिस्टम है वो भी इससे कनेक्टेड रहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका रिप्लेसमेंट सिस्टम वोटर सिस्टम रिसर्कुलेशन सिस्टम ये सारे सिस्टम आप क्या करते हैं जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग विच इज नॉन एज केमिकल सिस्टम केमिकल सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि अब अपन कहा किसके डिस्कस करेंगे केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे द केमिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टैंक्स फॉर डेवलपिंग फिक्सिंग वॉशिंग एंड सब सिस्टम्स केमिकल सिस्टम में क्या क्या होता है डेवलपिंग टैंक होता है फिक्सिंग टैंक होता है वॉशिंग टैंक होता है और इसके अलावा जो इसके सब सिस्टम है जो अभी अपन ने ऊपर डायग्राम में देखे थे रिप्लेसमेंट सिस्टम री सिस्टम वाटर सिस्टम ये सारे किस में आएंगे आपके केमिकल सिस्टम के अंदर दीज टैंक्स आर मेड अप ऑफ इनर्ट मटेरियल सच एज स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक यानी कि ये जो सारे के सारे जो टैंक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक दिस सिस्टम इज क्लोजली इंटर रिलेटेड टू द रिप्लाइसमेंट सिस्टम वाटर एंड हीटिंग सिस्टम यानि कि जो आपका केमिकल सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड होता है आपका रिप्लाइसमेंट सिस्टम से कनेक्टेड होता है वाटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है और हीटिंग सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है द केमिकल इन द टक मस्ट भी सर्कुलेटेड कॉन्स्टेंटली एंड मेनटेन एट द करेक्ट टेम्परेचर यानी कि जो टैंक्स के अंदर आपका केमिकल है वो क्या होना चाहिए आपका सर्कुलेटेड होना चाहिए अब यह किसकी सहायता से होगा री सर्कुलेशन सिस्टम की सहायता से एंड मेंटेन्ड एट द करेक्ट टेम्परेचर और जो टेम्परेचर उनका होना चाहिए वही उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए ठीक है थर्मोस्टेट इज यूज टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ डेवलपर एंड फिक्सर सोल्यूशन डेवलपर और फिक्सर सोल्यूशन के टेम्परेचर को मेजर और कंट्रोल करने के लिए अपन कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं थर्मो स्टेट काम में लेते हैं सर्कुलेशन पंप इज यूज टू सर्कुलेट डेवलपर एंड फिक्सर सोल्यूशन थ्रू वेरियस डिवाइसेज ठीक है यानी कि सर्कुलेशन पंप को अपन काम में लेते हैं डेवलपर और फिक्सर सोल्यूशन को सर्कुलेट करने के लिए ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग रिप्लाइसमेंट सिस्टम द रिप्लाइंसमेंट सिस्टम प्रिजर्व बोथ द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द केमिकल्स इन द प्रोसेसर यानी कि इस सिस्टम का क्या वर्क होता है कि केमिकल्स हैं जो प्रोसेस के प्रोसेसर के अंदर डेवलपर एंड फिक्सर सोल्यूशंस उनके केमिकल्स की क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों को मैंटेन करने का वर्क होता है इसका ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ रेप टैंक फिल्टर्स एंड रेपलिन पंप। और क्या क्या होता है इसके अंदर रिप्लाइंसड टैंक होता है फिल्टर्स होते हैं और रिप्लाइसमेंट पंप्स पाए जाते हैं दीज टैंक्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक ये टैंक्स यानि कि रिप्लाइसमेंट टैंक्स किसके बने हो सकते हैं या तो स्टेनलेस स्टील के या फिर प्लास्टिक के द डेवलपर रिप्लायंसर टैंक हैज़ अ फ्लोटिंग लिड टू रिड्यूस ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ द डेवलपर रिप्लायसमेंट सोल्यूशन यानी कि जो डेवलपर का रिप्लायसमेंट सिस्टम होता है या फिर रिप्लांसर टैंक होता है उसमें क्या पाया जाता है फ्लोटिंग लीड्स पाई जाती हैं जिनका क्या काम होता है डेवलपर के ऑटो ऑक्सीडेशन को कम करने का वर्क होता है उनका ठीक है डेवलपर रिपलायंसर इज नॉर्मली यूज फॉर टू वीक्स नॉर्मल सी बात है कि डेवलपर रिप्लायंसर को अपन नॉर्मली कितने दिनों तक तो काम में ले सकते हैं टू वीक्स के लिए द रिप्लायंसर पंप ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिक मोटर विच फिल द सोल्यूशन अप टू द टैंक लेवल यानी कि रिप्लायंसर पंप वो किसके थ्रू चलता है एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू और ये क्या करता है जो सोल्यूशन है टैंक के अंदर उसको एक लेवल तक मेंटेन रखता है दिस सिस्टम हेल्प्स द डेवलपर टू मेंटेन इट्स एल्किलिटी एंड स्ट्रेंथ यानी कि ये सिस्टम जो आपका डेवलपर सॉल्यूशन है उसकी एल्किलिटी यानी बेसिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ दोनों को क्या करके रखता है मेंटेन करके रखता है इट आल्सो हेल्प द फिक्सर सोल्यूशन टू मेंटेन इट्स एसिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बात अपने को पता है कि आपका डेवलपर सोल्यूशन कैसा होता है बेसिक होता है तो उसकी क्या मेंटेन करके रखेगा ये बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है और आपका जो फिक्सर सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है एसिडिक होता है तो यहां पे फिक्सर सोल्यूशन की एसिडिटी को ये मेंटेन करके रखता है द रिप्लेसमेंट इज एडजस्टेड टू अ कॉन्स्टेंट रेट फॉर ईच फिल्म यानी कि जब अपन फिल्म को प्रोसेस कराते हैं तब रिप्लेसमेंट को एक कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है फिफ्थ सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग वोटर सिस्टम वोटर सिस्टम का क्या वर्क होता है जो आपका डेवलपर सोल्यूशन है और फिक्सर सोल्यूशन है उसको वोटर प्रोवाइड करने का काम होता है इसका ठीक है वॉटर सिस्टम इज आयर कोल्ड वाटर और टेम्पर्ड वॉटर सिस्टम वाटर सिस्टम कैसा भी हो सकता है कोल्ड वाटर सिस्टम भी हो सकता है और आपका टेम्पर्ड वाटर सिस्टम भी हो सकता है टेम्पेर्ड वाटर से अपन क्या क्या समझते हैं ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर क्या हो आपका 29 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस दिस कंसिस्ट ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर सप्लाई फिल्टर्स मिक्सिंग वॉल्व टेम्परेचर गोज एंड हीट एक्सचेंजर वाटर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है कोल्ड वाटर सप्लाई पाई जाती है हॉट वाटर सप्लाई पाई जाती है फिल्टर्स पाए जाते हैं मिक्सिंग वॉल्व पाए जाते हैं टेम्परेचर गोज पाए जाते हैं एंड हीट एक्सचेंजर द वॉल्व कंट्रोल द फिल्टर्ड वाटर फ्लो एंड टेम्परेचर एक्यूरेटली जो इसमें वॉल्व लगाते हैं उनका क्या काम होता है फिल्टर्ड वाटर फ्लो को कंट्रोल करना और टेम्परेचर को ठीक है द हीट एक्सचेंजर बॉक्स कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ ट्यूब थ्रू विच वाटर एंड डेवलपर सोल्यूशन यानी कि जो हीट एक्सचेंजर बॉक्स होता है उसमें क्या पाई जाती है ट्यूब्स की सीरीज पाई जाती है जिनमें से वाटर और डेवलपर सोल्यूशन दोनों का क्या होता है फ्लो होता है इट एब्जॉर्ब वेस्ट हीट फ्रॉम द डेवलपर सोल्यूशन एंड कंट्रोल द डेवलपर टेम्परेचर यह क्या करता है डेवलपर सोल्यूशन की जो वेस्ट हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और डेवलपर सोल्यूशन के टेम्परेचर को मेनटेन रखता है फिक्सर द हीट एक्सचेंजर पास द वेस्ट हीट टू द वॉटर एंड विच इज री एब्जॉर्ब बाई दिक्सर में क्या होता है कि जो आपका हीट एक्सचेंजर वो क्या करता है waste heat को किसको पास करता है वाटर को पास करता है और फिर वाटर से वो जब उसको जरूरत होती है तो उसको वो री एब्जॉर्ब भी कर सकता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट एंड सिक्स सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग ड्रायर सिस्टम द ड्रायर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रोलर ट्रांसपोर्ट ब्लोवर हीटर थर्मोस्टेट फिल्टर एंड एयर नाइव्स ड्रायर सिस्टम में क्या क्या होते हैं रोलर ट्रांसपोर्ट पाया जाता है ब्लोवर पाया जाता है हीटर पाया जाता है थर्मोस्टेट पाया जाता है फिल्टर पाए जाते हैं और एयर नाइव्स पाए जाते हैं ड्रायर सिस्टम का वर्क क्या होता है आपकी जो एक्सरे फिल्म है जो केमिकल्स में से प्रोसेस होकर आ चुकी है उसको ड्राई करने का वर्क ड्रायर सिस्टम का होता है रोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंश्योर दैट द स्पीड ऑफ फिल्म इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेसर रोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या वर्क होता है यह इन्श्योर करता है कि जो आपकी फिल्म है जो प्रोसेसर है ड्रायर की तरफ आ रही है उसकी स्पीड आपकी क्या constant होनी चाहिए एक कॉन्स्टेंट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए द ब्लोवर यूनिट जनरेट द एयर फ्लो विच इज ब्लोवर ओवर द हीटर कि जो ब्लोवर यूनिट है वो क्या करती है एयर फ्लो को जनरेट करती है और ये जो आपकी एयर होती है ये हीटर के ऊपर से ब्लो होती है ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सके टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग एयर इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मोस्टेट एंड इज यूजुअली अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि ड्राइंग सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा और ये नॉर्मली कितना होता है पचास डिग्री सेल्सियस द एयर नाइव्स आर यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एयर वैन इट स्ट्राइक्स ऑन द फिल्म सरफेस यानी एयर नाइव्स का वर्क क्या होता है जैसे ही आपकी एयर फिल्म के सरफेस पर टकराती है तो उनकी स्पीड को इंक्रीज करने का यानी कि एयर की स्पीड को इंक्रीज करने का वर्क किसका होता है आपका एयर नाइव्स का ओके थैंक यू